हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने व्लॉग किया नहीं था, तो सोचा कि आज आप लोगों से थोड़ी सी बात वगैरह कर लूं। और अभी जस्ट मैंने एक रील लगाई है अपने सोशल अकाउंट्स पे, जो भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक है वहाँ पे। और अगर आप उन प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं तो आपको वो मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, अकल्ट विद निधि जी। तो वहीं पर अब मैं जो भी एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल वीडियोस हैं, वास्तु, आने वाले टाइम में टैरो कार्ड, पामिस्ट्री, ये सब भी मैं करने वाली हूँ। पामिस्ट्री मुझे सीखनी है, मुझे आती नहीं है, पर उसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। और चक्रा हीलिंग, फिर आपका योगा है, मुझे योग सीखने का भी बहुत मन है। थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, पर अच्छे से मन है कि मैं आपको भी कुछ बता सकूँ, क्योंकि उससे फिजिकल, मेंटल और हमारी सोल को भी बहुत बेनिफिट मिलता है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चैनल का भी ना बहुत ऐसे चल रहा था, मतलब मुझे सूझा कि अकल्ट विद निधि जी रख लेती हूँ, पर अभी 2-3 दिन से ना मैं अपने फॉलोअर्स से ही पूछ रही थी, इंस्टाग्राम पे भी लोगों से भी पूछ रही थी कि क्या ये नाम रहने दूँ या चेंज करूँ, क्योंकि 2-3 नाम मेरे को ऐसे आ रहे थे माइंड में कि ये रखूँ ये रखूँ। फिर मुझे ना अकल्ट ठीक लगा, क्योंकि एस्ट्रो अगर मैं नाम रख दूंगी, पहले मैंने एस्ट्रो निधि सोचा था, तो सिर्फ ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं है। और ये जो अकल्ट होता है ना, तो अकल्ट में सारी चीज़ें आ जाती है, आपका वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और टैरो, सब कुछ आ जाएगा इसमें। और अगर सिर्फ ऐसे रहेगा ना, निधि चौधरी एस्ट्रोलॉजी या फिर निधि चौधरी एस्ट्रोलॉजर, सर्च करने पे तो यही ज़्यादा आता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार सिर्फ ये कहीं एस्ट्रो से ही रिलेटेड ना रह जाए, और मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा और भी चीज़ें बताती हूँ जो एक अकल्ट उसमें आ जाएगा। तो मुझे सबसे ठीक अकल्ट नाम ही लगा, अकल्ट विद निधि जी। आप लोग मुझे बताना कि क्या नाम होना चाहिए। सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, चेंज भी कर सकती हूँ, अभी कुछ पक्का पता नहीं है। और मैंने जो आज रील करी थी ना, उसमें मैंने एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी है, वाइट कलर की चिकन की साड़ी है, लखनऊ से मंगवाई थी। बहुत ही उस पर सुंदर प्रिंट करा हुआ है, आप लोग ज़रूर देखना, वो शॉर्ट क्लिप मैंने लगाई हुई है दूसरे चैनल पर। तो ऐसा ये प्रिंट है, उस पर प्रिंट कह रही हूँ, ये जो थ्रेड वर्क होता है ना, चिकन वर्क होता है, बहुत अच्छा। और ये इसका जो फैब्रिक है, दिस इज़ टिश्यू, और थोड़ा सा पता नहीं कैसा है, कॉटन तो नहीं है ये, टिश्यू ऑर्गेन्जा नहीं, टिश्यू सिल्क कुछ ऐसे होता है ना, उस टाइप का है। अच्छा लग रहा है फैब्रिक, मतलब बहुत ही क्लासी सुंदर साड़ी ये लग रही है। तो ये मैंने पहनी है उसमें, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। क्यों नहीं है? नहीं, अभी मुझे ध्यान आया कि नहीं है, मुझे डाल देना चाहिए, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मैं ना शॉर्ट्स के लिए सोच रही थी ये कैमरा यूज़ कर लूँ, 1 साल से पड़ा हुआ है, पर सेट किया ही नहीं था। और इसमें कुछ भी मैंने ना तो वीडियो बनाई है ना फोटो ली है, और एक दूसरा तो ये किधर हो गया, इसको तो उठाया नहीं जाता है ना, मैं कैसे इसमें व्लॉग करूँ, क्या करूँ। और एक तो बेचारा ट्राईपॉड पर ही बैठा रहता है, मेरा कैनन का R5 पड़ा हुआ है, तब भी देख लो, मतलब मुझे ये सब इतना आता नहीं है समझ में कि क्या सेटिंग करनी है, इतना महंगा कैमरा मेरे पास पड़ा हुआ है। फिर भी मैं अच्छे से ना वीडियोस और जो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उस सब पे इतना काम नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, पढ़ना भी होता है। तो यहाँ अच्छा, मेरा ये बुक शेल्फ का मैंने आपको एक बार बताया था ना कि ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये जब बहुत कम यहाँ पर बुक्स थी तब मैंने आपको दिखाया था, शायद 1 साल पहले। देखो ये देखो, यहाँ पे पूरा ये भर गया है, और भी अब बुक्स आएगी यहाँ यहाँ सब। ये वाला ना मैंने ओशो कलेक्शन ही इधर रहने दिया, यहाँ पे ओशो की बहुत सारी बुक्स है, फिर यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये सब की कुंडलिनी, तो ये सारी बुक्स है। ऊपर ये लॉ की बुक्स पड़ी हुई है, और ये मेरा बहुत ही महंगा पेन, इसको भी मैंने सजा कर यहीं पे रख दिया है। कुछ क्रिस्टल्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, ये कुछ और बुक्स है, और पॉपुलर बुक्स है ये सारी। और फिर यहाँ पे कुछ और भी बुक्स पड़ी हुई है, और इधर ये पेंटिंग है जगन्नाथ जी की, तो ये मैं उड़ीसा से लाई थी, और यहाँ पे ये चंद्र यंत्र है। तो आज नेक्स्ट डे है, और मुझे अभी एक इवेंट में जाना है घर के पास ही, अगर घर के दूर होता ना तो मैं नहीं जाती, साउथ दिल्ली में ही है, बहुत पास है घर के, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं रेडी वगैरह हुई हूँ, और मैंने आज लेंस भी लगाया, मेकअप सब कर लिया है, बट आई मेकअप ना मैं इतना कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा लेंस लगा ली थी। और इससे पहले ना मैं फ्रेश लुक के लेंस लगा रही थी, बट वो जा ही नहीं रहे थे, इतनी दिक्कत हुई, तो मैंने वो रहने दिया। और मेरे पास स्वाति कॉस्मेटिक्स के भी लेंस पड़े थे, तो वो मैंने
लगाए हुए हैं अभी, और ज़्यादा कुछ इतना मतलब मैंने लिनन कॉटन की ड्रेस पहनी है क्योंकि 4 से 7 का ही है कलेक्शन शो है, शायद तयानी करके ज्वेलरी ब्रांड है करण जौहर का, तो वहीं पर जाना है उनका कुछ पता नहीं क्या है। मुझे तो इनवाइट आया, मैं जा रही हूँ, मैंने सोचा चलो घर के पास ही है, 10 मिनट लगते हैं यहाँ से, तो मैं चली जाती हूँ। और वहाँ जाकर ना मैं आपको ज्वेलरी वगैरह भी दिखाती हूँ क्योंकि मेरा भी मन हो रहा था कि ज्वेलरी देखते हैं जाकर, करण जौहर का है। सो द स्टोर इज़ इन मेहरौली वेयर ऑल द डिज़ाइनर स्टोर्स आर लोकेटेड, जैसे सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, राहुल मिश्रा, तो ये सारे स्टोर्स डिज़ाइनर स्टोर्स वहीं पर है। बट रशियन एमरल्ड Russian emerald is a different category. It comes from Colombian side. And the emerald here is मैं ना 1-1.5 घंटे में ही घर वापस आ गई क्योंकि मेरा ना मन नहीं लगता है ऐसी जगह पे, लोग बहुत मीन होते हैं ज़्यादातर, कुछ एक दो ठीक होते हैं। एक मेरी फ्रेंड है वहाँ, शी इज़ वेरी नाइस, उसको मेरे आगे ना किसी लड़की ने ऐसे टॉन्ट मार दिया, व्हाट आर यू वेयरिंग, क्या पहन रखा है, व्हाट हैज़ हैपन टू योर स्टाइल, चॉइस ऑफ क्लोथ्स। तो कह रही, उसने बोला मेरी फ्रेंड ने, क्या हो गया, तो वो कहने लगी कि नहीं मैं तो तारीफ कर रही हूँ कि व्हाट अ स्टाइल, कितने बढ़िया लग रहे हैं कपड़े, मतलब इस तरीके से लोग ताने मारते हैं तो ये गलत बात है। मतलब अच्छा नहीं लग रहा तो आराम से आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसा है तो, बट ये क्या तरीका होता है। और ऐसे ज़्यादातर लोग हैं, दैट्स वाई आई अवॉइड टॉकिंग टू मोस्ट ऑफ देम, तो मैं बस जाती हूँ अपना पिक्चर्स विक्चर्स क्लिक करती हूँ, जिन्होंने इवेंट रखा होता है उनसे मिलती हूँ बस, और कुछ भी नहीं मुझे मतलब होता है कि मैं वहाँ लोगों से बात करूँ, दोस्ती करूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसे नेगेटिव लोगों से ना, जो इस तरीके के हैं, लोगों को ताने मारते हैं और इस तरीके की गॉसिप की दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो इन लोगों से तो मैं दूर ही रहती हूँ, चाहे मुझे अकेले बैठे रहना पड़े, जो ज़्यादातर यही होता है कि मैं अकेले ही बैठी रहती हूँ, पर इनसे मुझे कोई ताल्लुकात नहीं रखना है। और मुझे एक और चीज़ मिली वहाँ पर, छोटी सी जगह थी, मतलब ज्वेलरी स्टोर था, ठीक ठाक था, और मुझे लगता है कि इसे और एक्सपैंड करा जाएगा क्योंकि अभी तो ये नया ही आया है, कुछ ही सालों से तयानी आया है। ये एक हैम्पर मिला है, तयानी बाय करण जौहर, तो ये सब 3 जगह पर ही है, मुंबई, दिल्ली एंड हैदराबाद। तो ज़्यादा बड़े स्केल पे शायद ये है नहीं अभी, बट आने वाले टाइम में होगा। और इसमें एक ये बॉक्स है, शायद इसमें क्या है, चॉकलेट्स होगी, कुछ खाने का ही होगा इसमें। फिर नेक्स्ट डे भी मुझे इवेंट में जाना था, तो मुझे बाल स्टाइल कराने थे, इसलिए मैंने वॉश भी बाहर करा लिया। और ये बेसिन का मुझे मन होने लगा कि मेरे घर पे भी ऐसा होना चाहिए। और वही भैया फिर मुझे वही सब बातें बता रहे थे, शैम्पू ये ले लो, कंडीशनर वो ले लो, बालों की क्वालिटी ऐसी हो गई है। और फिर मैंने सोचा कि बाल स्ट्रेट रहने देती हूँ, जो कि मेरे यूजुअली रहते हैं बाल, पर उन्होंने फिर बोला कि कर्ल्स करवा लो, तो मैंने करवा लिए कर्ल्स, ये भी अच्छे लग रहे थे। सो आई एम रेडी, मैंने ये ब्लू कलर का गाउन पहना है और मेकअप ना मैंने इसे स्मोकी आई करी है बहुत टाइम के बाद, पर ठीक हो गया। मुझे डर लग रहा था कि गड़बड़ हो गई तो पूरा बेस हटाना पड़ेगा, और ग्लॉस लगाया है, और ज़्यादा कुछ ज्वेलरी नहीं पहनी, बस इयररिंग्स और ये रिंग पहनी है। और अभी हाँ कर रही हूँ, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। और गाउन मेरे लिए थोड़ा हैवी था, मैंने हील्स भी पहन रखे थे, तो उनकी टीम में से ही मेरी एक हेल्प करने के लिए आ गए। और ये देखो, ये अंकल मेरे साइड साइड में पीछा करते हुए आ रहे थे, हमें आगे पूछते मैं उठा लूँ क्या, तो मैंने सीधा बोल दिया स्टे अवे, नो स्टे अवे। ऐसे ऐसे लोगों से तो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी, और मैं मुँह पर बोल देती हूँ नो, मुझे कोई वो नहीं होता, बुरा लगे क्या लगे, ऐसे ऐसे अंकलों को वो नहीं, मैं बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोल रहा है, उसी टाइप के अंकल थे। एंड ही इज़ डालमिया जो मेरे साथ में, उनको मैं जानती हूँ तो ठीक है, उनसे बात करूँगी ना, उनको नहीं जानती तो क्या बात करूँ। बहुत लाइफ में गलती की है, शादी नहीं चाहिए, बहुत दोस्त बनाए हैं।
आई हैव रीच्ड होम और शो हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था. इट वॉज सपोज टू गेट स्टार्टेड एट 10 PM और हम लोग 12:15 तक बैठे रहे तो हुआ ही नहीं स्टार्ट. 12:30 पे स्टार्ट हुआ और फिर 12:20 के अराउंड मम्मी का BP लो हो गया, उनको चक्कर आ गया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई. फिर उनको बाहर बिठाया, थोड़ा पंखा वंखा करा, नींबू पानी दिया और फिर हमें घर आना पड़ा. गुड़गांव गए थे हम लोग तो आधा घंटा लगा आने में. फिर रुकने का कुछ मतलब नहीं था ना, एक तो लेट भी हो गया था. मेरा ये प्लान था कि अगर 10 से 11 भी रैंप वॉक होगा ना तो हम लोग 11:30-12 बजे तक घर आ जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, लेट हो गया. तो मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और तापोशी भी थी मेरे साथ, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी. तो हम लोग आ गए घर, देखा नहीं, खैर कोई बात नहीं. और खाने वाने कभी ना खाया भी नहीं था कुछ, सिर्फ अल्कोहल था. ऐसे हो रहा था मुझे कि यार थोड़ा कुछ खाने को तो होता है, शायद शो के बाद होता, आफ्टर पार्टी भी इनकी अभी है कहीं और, तो कौन इतने देर के लिए रुकता. मेरा था कि मुझे आना है 12 बजे तक, बट वैसे ही लेट हो गया था. फिर हम लोग पहुँचे 1 बजे घर और अभी मेरा ये इतना अच्छा मेकअप हुआ है. इतने टाइम के बाद मैंने सब कुछ स्मोकी आए, लेंस, लैश, सब कुछ लगाया है और क्या करा इसका अपने. मैंने कुछ वीडियोस वगैरह तो बना ली है, रील्स बनाई है, फ़ोटो ली है, पता नहीं कैसी आई होगी, देखना पड़ेगा मुझे. अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ काम कर लूँ, पर ऐसे ना बहुत एग्जॉस्ट भी मैं हो गई हूँ क्योंकि ऐसा हो गया ना कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई. मम्मी ने तो मुझे बार बार बोला कि है ना रुक जाओ, तुम रुक जाओ, फिर अच्छा नहीं लगता ना. तो मैं आई गई फटाफट, मैंने बुलाई गाड़ी और हम आ गए घर, तापसी को छोड़ा. अभी क्या टाइम हो रहा है देखूँ, 1:47 हो रहे हैं. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्लॉग को ख़त्म करूँ. अच्छा हाँ, मैंने आईफोन भी ले लिया, मैंने दिखाया नहीं ना व्लॉग में. हाँ चलो मैं दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ. तो ये आईफोन 15 प्रो मैक्स इज योर नेचुरल टाइटेनियम, तो ये लिया है. और अभी इसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि फ्राइडे था जिस दिन लिया और अब सैटरडे को मैं इसे और नहीं यूज़ कर सकती यार, मैं नहीं करती हूँ. तो आराम से डेरी. हाँ तो ये रहा फ़ोन, अभी इसको ऐसे पकड़ लेती हूँ, कई लोग ऐसे दिखाते हैं ना तो गिरा भी देते हैं. तो ये रहा नेचुरल टाइटेनियम, बहुत मुश्किल से ये मिला है क्योंकि मिल नहीं रहा है, लोगों ने अपना ऐसे ही प्री बुकिंग वगैरह करवा रखी है. अभी भी इतना लोग ट्राई कर रहे हैं कि मिल जाए फ़ोन, मिल जाए, बट उनको नहीं मिल रहा है. चलो फॉर्चुनेट ना, तो ये भी आ गया है. और इसका ना ऐसा नहीं कि कोई बोले कि आईफोन दिखा रही है या कुछ ऐसे. मुझे ना 14 रखना नहीं था, मेरे पास पर्पल कलर का 14 है, तो मुझे पर्पल ब्लू कलर का फ़ोन पता नहीं, मुझे मतलब नहीं रखना बिकॉज इट्स द कलर ऑफ सैटन. और मेरे पास पहले गोल्ड फ़ोन था ना, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा साबित हुआ, लकी साबित हुआ. मेरे पास ब्लैक फ़ोन था, वो तो पूरा चकना चूरी हो गया. मेरे पास 11 प्रो मैक्स पे यहीं पे पड़ा हुआ, मैं दिखाती हूँ आपको वो भी. चलो दिखा देते हैं. बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा इसकी चटनी बनी हुई है. कब मैं सोऊंगी यार, 2 बज गए हैं. अब मुझे पता ऐसे हो रहा है, मेरा कम से कम मेकअप तो यूटिलाइज हो जाए, चलो ब्लॉग में ही हो रहा है. ये देखिए मेरा ब्लैक कलर का आईफोन 11 प्रो मैक्स. अरे ये अटक रहा है, एक सेकंड, ये ऐसे करके देखो, ये देखो, ये देखिए 11 प्रो मैक्स, क्या मजबूत फ़ोन है. देखिए इसकी हालत. तो ये ब्लैक फ़ोन था
इसलिए मैंने ब्लैक फ़ोन नहीं लिया। गोल्डन मुझे अच्छा लगता है कि मेरे लिए अच्छा रहा। बाकी ब्लू और पर्पल मुझे नहीं लेना था, तो अभी सिल्वर लिया है। मून शुक्र ये सारी चीज़ें उससे थोड़ा कनेक्टेड है, 6 नंबर है। तो देखते हैं, और इतनी मेमोरी है। और मेरे ना 14 जो फ़ोन है उसके कैमरा में भी प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं ब्लर ब्लर सी फ़ोटो आ रही है। मैंने 2-3 लोगों से और पूछा जिनके पास ये फ़ोन है, उनके भी ऐसे ब्लर ब्लर फ़ोटो आ रही है। तो मैं तो बड़ा परेशान हो गई थी। मुझे लगता है पर्पसली ऐसे करते हैं कि 1 साल में बंदे का फ़ोन ख़राब हो ही जाए, अगले साल उसको दूसरा फ़ोन, नया फ़ोन लेना पड़े। खैर ठीक है, जो भी है अब तो ले लिया और अच्छा लग रहा है। देखते हैं, इसको ट्रांसफर वांसफर मैं संडे को करूँगी, सैटरडे को तो मैं नहीं करूँगी। मेरे को एटलीस्ट ऑन कर लेना चाहिए सर, मैंने ऑन भी नहीं करा। खैर सैटरडे को तो मैं ऑन करूँगी नहीं, संडे को ये कराया जाएगा। और अभी बस मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और क्या लाइक शेयर वगैरह सब कर देना, कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को भी और मेरे नए चैनल को भी, अकल्ट विद निधि जी, फॉर स्पिरिचुअल वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आएगी, चक्रा हीलिंग, कुंडलिनी। तो कर लेना सब्सक्राइब अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए अभी मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।